प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ आनंद को प्राप्त करने की खूब इच्छा होती है लेकिन सांसारिक वातावरण से निकलना मुश्किल है, संसार के झंझटों में रहकर भी आनंद कैसे मिले? माँ, आनंद सर्वत्र व्याप्त है, जैसे कोई कृत्रिम वेश पहनकर भिन्न भिन्न प्रकार का वेश परिवर्तन करता है लेकिन भीतर से जानता है कि वह कौन है, ऐसे ही संसार के नाटक के बीच अपनी वास्तविक पहचान बनी रहने पर सदा आनंद है। अपनी पहचान के लिए, सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए भगवान से हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की कैसी सुंदर व्यवस्था है, माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, यदि बच्चा माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता तो माँ थप्पड़ देती है, धक्का देकर घर में ले जाती है। पिताजी ने कहा है कि इससे बच्चे लोग पक्के हो जाते हैं। भगवान की तरफ नहीं जाने से दुख ही दुख मिलेगा, अपने घर को ढूंढना चाहिए। भगवान ही एकमात्र परम माता, परम पिता, परम बंधु है। दुनिया में जहां दो है वहां दुख है, जहां द्वैत है वहीं दुख है, वहीं मृत्यु है। भगवान जो कुछ करते हैं उसमें मंगल ही मंगल है। भगवत प्राप्ति से ही सच्चा परमानंद मिलता है। जहां दुख और शोक है वह रास्ता मत पकड़ो, परमानंद की प्राप्ति के रास्ते पर चलो। परमानंद की तरफ नहीं जा रहे हो इसलिए दुख मिल रहा है। जल और जल का तरंग एक ही वस्तु है, यह शरीर तो छोटी बच्ची है इसलिए पिताजी के पास अगड़म बगड़म बोल रही हूं। हरी कथा ही एकमात्र सच्ची कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। जहां राम है वहां आराम है, जहां राम नहीं वहां बेआराम है। तुम जानते हो तुम्हारा सच्चा आत्मी कौन है? भगवान ही एकमात्र सबका सच्चा आत्मीय है। प्रश्नकर्ता, माँ तुम हर वक्त बोलती हो तुम छोटी बच्ची हो, हम सब लोगों को ठगने के लिए तुम छोटी बच्ची बन जाती हो क्या? माँ, एक बार नहीं 100 बार यह शरीर छोटी बच्ची है। इस शरीर को बुढ़ी बनाने से नहीं चलेगा। बुढ़ी माँ को कोने में धक्के देकर रख दोगे तो तुम जहां हो वहीं रह जाओगे। यह शरीर तो तुम्हारी छोटी बच्ची ही है, तुम्हारी गोद में बैठूंगी। प्रश्नकर्ता, माँ छोटी बच्ची तो ज्यादा बोलती है। माँ, छोटी बच्ची का स्वभाव है बक बक करने का। प्रश्नकर्ता, माँ आज तुम्हारा सारा कैंप देखाया। माँ, इस शरीर का तो कुछ नहीं है, फिर और एक दृष्टि से जगत में जो कुछ है, जो कुछ था, जो कुछ होगा, वह सब इस शरीर का ही है। प्रश्नकर्ता, यदि भिन्नता हो तो? माँ, भिन्नता नहीं, सर्वत्र एकमात्र भगवान ही है। प्रश्नकर्ता, माँ अपने को कैसे प्राप्त किया जाता है? माँ, सुना है कि एक हरि नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है उतना पाप जीव कर भी नहीं सकता है। अग्नि के एक स्फुलिंग से सब कुछ भस्म हो सकता है। मैं पापी हूं ऐसा क्यों सोचते हो? मैं पापी हूं ऐसी बातें मत करो। तुम सिर्फ आत्म ध्यान, आत्म चिंतन करो। आत्म ध्यान करते करते आत्म प्रकाश हो जाएगा। जैसा तुम ध्यान करोगे वैसा तुम पाओगे। कमजोर की तरह अपने को पापी क्यों मान रहे हो? वीर की तरह भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाओ। मैं भव सागर कैसे पार करूंगा इसके लिए कुछ विचार करो ही मत। इसमें मार्ग सूचक स्तंभ की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते रहो, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, भगवान अवश्य मिलेगा ही। ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर जैसा गुरु ने बताया वैसे साधन मार्ग में चलना चाहिए। यदि लोभ करना ही है तो भगवत प्राप्ति के लिए लोभ करो,
मोह करना ही है तो भगवान के लिए मोह करो, यदि कामना करनी है तो भगवत प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। यदि भगवान की तुम्हारे ऊपर अहेतु की कृपा हो जाए तो क्षण भर में भगवत प्राप्ति हो सकती है। प्रश्नकर्ता, माँ भगवान की कृपा कैसे होगी? माँ, भगवान की कृपा भी स्वयं प्रकाश है। यह जो तुम बोल रहे हो वह भगवान की कृपा से ही बोल रहे हो। कृपा माने क्या? क्रि माने करो और पा माने पाओ, अर्थात करो और पाओ। यदि तुम करोगे तो अवश्य पाओगे। जितने प्रमाण में करोगे उतने प्रमाण में प्राप्ति होगी। भगवान की तरफ जाने के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो वह सब भगवान की कृपा से ही होता है। जितना जितना तुम साधन भजन करोगे उतना उतना तुमको भगवान की कृपा का अनुभव मिलेगा। एक कृपा का नाम है क्रमिक कृपा। भगवान ने जो सृष्टि की है वह उसको भोग रहा है। करने की मति भी उनसे ही आई है। स्वयं अनुभव होता है कि मेरे साधन से यह अनुभव ना होगा। यह अनुभव भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान की कृपा से ही भगवत कृपा का अनुभव होता है। मैं कर पा रहा हूं, यह प्रतीति उनकी कृपा के बिना नहीं होती। भगवत कृपा स्वयं प्रकाश है। और दूसरी है अहेतु की कृपा। यह अहेतु की कृपा भी भगवान से ही होती है। जीव कब तक कर सकता है? कोई रास्ते में गिर गया है लेकिन कोई उनको पकड़कर उनके घर में पहुंचा देता है। यह हुई अहेतु की कृपा की बात। अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। आत्म कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं होती। भगवान की प्राप्ति करने के लिए रास्ता ढूंढो। स्वयं भगवान ही सब कुछ करता है। यदि भगवान की अहेतु की कृपा ना होती तो हम क्या बोल सकते थे या क्या सुन सकते थे? उनकी कृपा से उनकी कृपा का अनुभव होता है। प्रश्न करता, माँ हम क्या करें? माँ, जो कुछ पढ़ा नहीं है उनका कोई प्रश्न नहीं है, और जो संपूर्ण ज्ञानी हो गया है उनका कोई प्रश्न नहीं है। जो पढ़ रहा है उनमें प्रश्न जरूर आएगा। तुम अपना स्वरूप जानने की कोशिश करो। प्रश्न करता, माँ अपने को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए या प्राप्त करने की? माँ, यदि भूले हो तो? यदि भूल होगी तो भूल का शोधन भी होगा। यदि अपने में आत्म प्रकाश हो जाए तो सब दोष खत्म हो जाते हैं। अपने में क्या क्या दोष हैं उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। भगवान को पहचानना माने अपने को जानना, अपने को पाना माने भगवान को पाना। पाना, जानना, पहचानना सब एक ही तो है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।